नमस्कार, मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी बर्फी की रेसिपी जिसमें न तो हम खोए का इस्तेमाल करेंगे और न ही घी का। फिर भी इतनी नरम बर्फी बनकर तैयार होगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आज हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी से ये स्वादिष्ट सी मिठाई। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 4 रोटी। देखिए, ये रात की बची हुई बासी रोटी है, इनको हम छोटा छोटा तोड़ के जार में इस तरह से डाल लेंगे। हमें इन रोटियों का बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार करना है, इसलिए हम टुकड़े थोड़े छोटे छोटे तोड़ेंगे। और देखिए, मैंने चारों रोटी को बारीक बारीक तोड़ के इसमें डाल दिया है। अब हम इसे पीस लेते हैं। मैंने रोटियों को बारीक पीस दिया है। इस तरह से हमें इनका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना बारीक पाउडर हमें रोटियों का बनाकर तैयार कर लेना है। जितना हो सके बारीक से बारीक पाउडर हमें इनका बना लेना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इस पर रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 1 गिलास दूध डाला है, मलाई वाला। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी कटोरी चीनी। अगर चीनी का नाप आपको समझ में ना आए तो आप जिस बर्तन से दूध ले रहे हैं उसी बर्तन के नाप से आप इसमें उतनी ही चीनी डालें जितना आप दूध डाल रहे हैं। वैसे तो आप दूध की जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से हमारी बर्फी में खोए का टेस्ट आएगा और वो बहुत ही नरम बनकर तैयार होगी, तो इसलिए आप इसमें दूध का ही इस्तेमाल करें। अब दूध को हम इस तरह से कड़छी की सहायता से चलाते हुए पकाएंगे। हमें दूध को चाशनी बनने तक पकाना है। जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम प्लेट तैयार कर लेते हैं बर्फी जमाने के लिए। बर्फी जमाने के लिए आप कोई भी इस तरह की एक प्लेट ले लें और उसमें अच्छे से घी लगा दें। घी को हमें प्लेट के चारों तरफ अच्छे से लगाना है ताकि इसमें बर्फी चिपके ना। और देखिए, हमारी चाशनी में उबाल भी आ गया है। वैसे तो गैस का फ्लेम हाई रखना है, पर जब उबाल आए तो गैस का फ्लेम लो कर दें। हमें दूध को अच्छे से चलाते हुए पकाना है और कड़छी को कढ़ाई के तले तक ले जाते हुए घुमाना है ताकि दूध कढ़ाई के तले पे ना चिपके। देखिए, दूध अच्छे से पक गया है और ये आधा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन हमें इसे अभी और पकाना है जब तक ये कढ़ाई की साइडें छोड़ने ना लग जाए और साइड साइड से सूखने ना लग जाए। और अभी हम इसे 1 मिनट और इसी तरह से कड़छी से चलाते हुए पकाएंगे ताकि एक तार की चाशनी बनकर हमारी तैयार हो जाए। और देखिए, हमारी जो चाशनी है बनकर तैयार हो गई है। ये साइड से कढ़ाई को छोड़ने लग गई है, सूखी सूखी सी दिखाई दे रही होगी आपको जब हम इसे कड़छी से साइड से हटाते हैं। और चाशनी के इतने गाढ़े होने पर हमें गैस का फ्लेम कम कर लेना है, नहीं तो हमारी चाशनी जल जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका मन हो तो आप इसमें किसी भी कलर का फूड कलर डाल सकते हैं, और अगर आपका मन नहीं है तो आप इसे ऐसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिना कलर डाले इसमें वाइट कलर की बर्फी बनकर तैयार होगी, वो भी देखने में बहुत अच्छी लगती है, तो आप चाहें फूड कलर का इस्तेमाल ना करें। फूड कलर अच्छे से मिक्स हो गया है, जो रोटी का पाउडर हमने बनाकर तैयार किया था अब हम इसमें डाल देंगे और अब इसे भी अच्छे से इस चाशनी के साथ मिला लेंगे। तो देखिए, रोटी का पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, यानी कि ये बर्फी जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे कढ़ाई को और इसे थोड़ा सा इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसे
जिस प्लेट में हमने घी लगाया था उस प्लेट में डाल देंगे। और इस तरह से प्लेट को हिलाते हुए इसको अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए बर्फ़ी अच्छे से फैल गई है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे खरबूजे के बीज। आप चाहे तो खरबूजे के बीज की जगह इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे बारीक कटे हुए काजू, पिस्ता, बादाम, सूखे हुए नारियल को भी कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब हम इसे काट लेते हैं। आप चाहे तो इसे बर्फी की शेप दे सकते हैं, काजू कतरी की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह गोल बर्फी की शेप में काटूंगी, जिसके लिए मैंने ले लिया है इस तरह का एक ढक्कन। इससे मैं इसको काट लेती हूँ। और अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इन बर्फियों को निकाल लेंगे। गर्म में हमें बर्फियों को नहीं निकालना है, नहीं तो हमारी बर्फी टूट जाएगी, इसलिए हम इसे ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे। बस अगर टाइम कम है तो आप इसे फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। तो देखिए हमारी बर्फी ठंडी हो गई है। अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। देखिए ये कितनी आसानी से निकल गई है और ये कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है। अब हम सारी मिठाई को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और देखिए लग रही है ना बिल्कुल एकदम हलवाई स्टाइल बर्फी। इनको देखने से कोई कहेगा नहीं कि ये आपने बची हुई रोटियों से बनाकर तैयार की है। यकीन मानिए आप जिसे भी इस मिठाई को खिलाएंगे वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इतनी स्वादिष्ट मिठाई बासी रोटी से बनाकर तैयार की है। देखिए तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो मिठाई है कितनी नरम और सॉफ्ट बनकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।